पोस्ट कमेटी के चेयरमैन भाई इस्माइली जी, और एक ऐसी आवाज जो मुद्दे में खून दुला में सारा हिंदुस्तान इतना जोश रहता है, सुनने वाला रात भर पहुंचा। हमारे हाजी साहब विधायक, मैं मंच पर आने जाऊँ अच्छा लगा, और पूर्व नियम पार्षद सभी हमें सभी यहाँ उपस्थित मेंबर्स कमेटी के, और ईरानी भाई जो अपने बुलंद आवाज में कवालियाँ पढ़ रहे हैं, तो उनकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित इस पंडाल में बड़ी संख्या में सभी जयहिंद साहिबान आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप उस मेला केजरीवाल सरकार की ओर से सारे इंतजाम, और आज मैं जिस दिन से पंडाल में गया मिल रहे हैं, तो हर व्यक्ति का चेहरा मुस्कुरा रहा था, चाहे वो छोटा बच्चा था, चाहे वो कोई लॉर्ड थी, चाहे जेंट्स था। हाँ, नेपाल से, झारखंड से, गिरडीह से, पटना से, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे, मध्य प्रदेश से और बसों से आए हुए थे। लगभग इस वक्त इस मैदान में 400 बसें हैं, और डॉक्टर साहब की मैं तारीफ करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा इंतजाम किया हुआ था। 1000 की ओपीडी में जब पहुंचा तब तक हो चुकी थी, और उसमें से कुल 2 व्यक्तियों को हॉस्पिटल भेजना पड़ा, बाकी सब डॉक्टरों की दवाइयाँ भी ठीक हो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यादगार में आज 811वां मेला दो हिंदुस्तान की गंगा यमुना तहसील का प्रतीक है। पुष्कर जी भी अजमेर से जिसके पास में 3 बार गया, और उस अजमेर शरीफ पर हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, क्रिश्चियन भी जाते हैं, सब अपनी दुआएं मांगते हैं, और वो गरीब नवाजा पूरी करते हैं सबकी मांगे पूरी। आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आप सबकी मेहनत रंग लाएगी। मैं जिनसे भी मिला सब खुश थे, केजरीवाल जी को दुआएं दे रहे थे। मैं तो खुदा से, अल्लाह ताला से, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनसे दुआएं मांगता हूँ कि आप सबकी मुरादें पूरी हो। मुझे दुआएं, बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।